कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के विवादित खिताब पर सियासी घमासान जारी है। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से इसको लेकर खास बातचीत की, जिसमें विपक्ष पर हिंदुओं का अपमान करने का आरोप लगाया। ये मैं समझता हूँ संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण सोच वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक के बारे में टिप्पणी करने से बाज नहीं आते, ये विपक्ष की सोच को बताता है। कोई दल कहता है पतंगा पर नहीं मारेगा और कार्यकर्ताओं पर गोली चलवा देते हैं, कोई कहते हैं राम काल्पनिक हैं और हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा देते हैं कि राम सेतु बंद रामेश्वरम है ही नहीं, कोई कहते हैं कि राम मंदिर की जगह पर अस्पताल बनवा दो, वहाँ पर मस्जिद का निर्माण करा दो करके हिंदू और मुसलमान में झगड़ा करा दो। तो ये वो लोग हैं जो राम के नाम को तरह तरह से दुष्प्रचारित करते हैं।